हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी विद रेफरेंस टू रिलीजन। धर्म के संदर्भ में लिंग समानता और समता। नाउ सी अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी, वी हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अर्लियर एंड वी ऑलरेडी नो इट। वी विल नाउ सी द मीनिंग ऑफ religion and then we will relate gender equality and equity with religion. So first let's know about religion. धर्म क्या है? धर्म एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि द्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। कहा जाता है धार्यते इति धर्मा, अर्थात जो धारण करते हैं वही धर्म कहलाता है। या हम यूं कह सकते हैं, लोक और परलोक के सुखों की सिद्धि के लिए सार्वजनिक पवित्र कार्यों व गुणों को धारण करना ही धर्म माना गया है। विवेक की चेतना का जागरण ही धर्म कहलाता है। मोरोवर, ईश्वर या परमपिता परमेश्वर व उससे संबंधित सभी गतिविधियों पर विश्वास करना व उन्हें धारण करना ही धर्म कहलाता है। सो रिलीजन इज द बिलीफ इन अ गॉड और गॉड्स एंड द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद दिस। रिलीजन इज अ सेट ऑफ बिलीव्स कंसर्निंग द कॉजेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, especially when considered as the creation of a superhuman agency or agencies, usually involving devotional and ritual observances and often containing a moral code governing the conduct of human affairs. देखिए, this is universal truth कि सभी मनुष्य ईश्वर की अनुपम कृति माने गए हैं, परंतु सभी के द्वारा उसे ईश्वर को मानने के लिए व पूजने के लिए किए गए उपायों के आधार पर भारतीय समाज में विभिन्न धर्म बने हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख व ईसाई धर्म आदि। ईश्वर ने सभी को एक जैसा बनाया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। सो जीन्स की स्टडी से भी वैज्ञानिकों ने यह प्रूव कर दिया है कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार के पूर्वजों से उत्पन्न हुए हैं। फिर भी अलग अलग विचारधाराओं को मानने के कारण उनकी संस्कृति अलग अलग हो गई है। जैसे क्लास या वर्ग के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो भारतीय समाज में आर्थिक आधार पर मुख्यतः तीन वर्ग पाए जाते हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। उसी तरह धर्म के संदर्भ में भी भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विचारधारा विकसित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत का संविधान सभी को एक समान समझता है, वो धर्म हो या किसी भी धर्म से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति हो, सभी समान हैं। क्योंकि सभी धर्मों का निचोड़ मानवता को अपनाना और विवेक की चेतना को जागृत करना है। ये सभी प्रजातांत्रिक मूल्य कहलाते हैं और हमारे जो नेशनल डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, उस नेशनल डेमोक्रेटिक करेक्टर के आधार पर शिक्षा का उद्देश्य भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना है और प्रजातंत्र को सफल बनाना है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष सभी धर्म समान माने गए हैं। नाउ वी हैव सीन दैट द पीपल हु आर फॉलोअर्स ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन फॉर्म्स अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। इस तरह भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों को मानते हुए विभिन्न धार्मिक संप्रदाय विद्यमान है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी। सो इन सभी समुदायों में से मेजर कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी ही है, हिंदू समुदाय ही है, और बाकी सभी मुस्लिम व ईसाई आदि जो समुदाय हैं, वे अल्पसंख्यक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन समुदायों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, अल्प हैं, इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। सो समाज में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, या हम कह सकते हैं कि समता को स्थापित करने के लिए, भारतीय संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक
अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, अपने लिए अलग से शिक्षण संस्थान खोल सके, अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी को अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने की छूट दी गई है। इस तरह से समाज में समता को स्थापित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धर्म के संदर्भ में लिंग समानता और समता की। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि फीमेल जेंडर समाज में हमेशा ही वंचित वर्ग रहा है। धर्म के आधार पर भी फीमेल जेंडर के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता रहा है। जैसे इन जनरल फीमेल जेंडर को ज्यादातर शिक्षित नहीं किया जाता था, अभी भी ये प्रैक्टिस प्रिवेलिंग है। व्हाई? ड्यू टू मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इन इंडिया, ऑल्सो ड्यू टू फॉलोइंग द स्टीरियोटाइप्स बाय अनएजुकेटेड पेरेंट्स, बट समटाइम्स बाय एजुकेटेड पेरेंट्स इवन इन द प्रेजेंटेड सोसाइटी ऑल्सो। इसी तरह से धर्म के आधार पर भी फीमेल जेंडर के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार ही किया जाता है। जैसे समाज के कुछ हिस्सों में अभी भी रिलीजियस टेक्स्ट्स या वी कैन से स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। किसको? फीमेल जेंडर को। दिस इज डन ओनली बाय मेल जेंडर, सो दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर अगेंस्ट वुमेन। नाउ रिलीजन इटसेल्फ प्रैक्टिसेस डबल स्टैंडर्ड्स। धर्म के आधार पर समाज द्वारा स्वयं ही फीमेल जेंडर के प्रति दोहरा व्यवहार दर्शाया गया है। एक तरफ फीमेल जेंडर में गर्ल्स व वुमेन को माता का रूप माना जाता है, उन्हें हाईएस्ट रिस्पेक्ट दी जाती है। नवरात्रों के दौरान कन्या को माता का रूप समझकर पूजा जाता है, तो दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या की जाती है, जन्म के बाद बालिकाओं को मार दिया जाता है या सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं। मोरओवर चाइल्ड मैरिज या विडो की जो ह्यूमिलेशन होती है समाज में, उनके केसेस सामने आते हैं। तो इस तरह से समाज फीमेल जेंडर के प्रति दोहरा रवैया अपनाता है, मींस डबल स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिस करता है। मोरओवर कई रिचुअल्स या सांस्कृतिक गतिविधियों में भी मैन और वुमेन दोनों जेंडर को इक्वल स्टेटस प्रदान नहीं किया जाता। इन सम पार्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी अ वुमेन ड्राइव्स हर स्टेटस फ्रॉम हर हस्बैंड ओनली एंड अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सम रिचुअल्स, वेयर एज इन हिज एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड, शी लूजेस दैट स्टेटस। नाउ सी व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज देयर इन द सोसाइटी। सो फीमेल जेंडर के प्रति इस तरह की असमानताओं को देखते हुए हमारे संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि ऑल आर इक्वल रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड जेंडर एटसेट्रा एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल। मोर ओवर इट हैज बीन एंश्योर्ड दैट वुमेन कांट बी डिनाइड टू एंटर इन सम रिलीजियस प्लेसेस। ऑल्सो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल। So, all these measures have been provided to ensure gender equality with respect to religion. Also, to ensure gender equity with reference to religion. धर्म के संदर्भ में लिंग समता को सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को अपने विद्यालय खोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उन्हें इकोनॉमिकली इस आधार पर ही सहायता प्रदान की जाती है कि वे वहां पर किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देंगे। पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गवर्नमेंट विशेष शिक्षा सुविधाएं प्रदान कर रही है, उनके लिए विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश के लिए कुछ स्थान भी आरक्षित हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है। इन सभी प्रयासों के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थाएं भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं, जिससे समाज के अल्पसंख्यकों को, स्पेशली अल्पसंख्यकों के फीमेल जेंडर को विकसित किया जा सके और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। दिस इज ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी विद रेफरेंस टू रिलीजन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।